चैनल इज स्टेप टेक। सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ shrinkyarn.com के बारे में। तो गाइस, टॉप 5 लिंक शॉर्टन और वीडियो पे मैं आपको बताया था इसके बारे में, और भी बताया था कि मैं इस सभी का ना एक एक डिटेल वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चलो आज बात करते हैं। पहला जो हमारा लिंक था shrinkyarn.com, ठीक है। तो गाइस, इसका ना एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, लेकिन गाइस मुझे जो एप्लीकेशन इतना अच्छा नहीं लगा जितना ये वेबसाइट अच्छा लग रहा है, ठीक है। एक जेन्यून है भाई, ट्रस्ट है भाई, आपको ना मनी देता है भाई। तो चलो मैं आपको पहले ना इस वेबसाइट के बारे में कुछ डिटेल्स में बता देता हूँ कि ये वेबसाइट कैसे काम करता है और यहाँ पे आपको कितना रुपया अर्निंग होने वाला है। तो गाइस, मैं यहाँ पे सिंपल सा shrinkyarn.com को ओपन कर देता हूँ। आप भी ना shrinkyarn.com को ओपन कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, आप जो वेबसाइट को ओपन कर रहे हो उसका लिंक सही होना चाहिए, यानी कि उसका स्पेलिंग जो है ना वो सही होना चाहिए, क्योंकि यार shrinkyarn का नाम पे और भी बहुत सारे फ्रॉड वेबसाइट भी हमारा वेबसाइट हमारा इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है। तो गाइस, आपको ना सही वेबसाइट को चुनना है। तो गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पे shrinkyarn.com वेबसाइट को ओपन कर दिया, यहाँ पे ना मेरे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो गया। लेकिन गाइस, यहाँ पे ना कुछ डिटेल्स बताने से पहले मैं आपको एक बात तो जरूर बताऊंगा कि आप ना कुछ भी आप काम करने से पहले एक अकाउंट यहाँ पे ना क्रिएट कर दीजिए। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे जो राइट हैंड पे आप 3 डॉट देख रहे हैं ना, 3 लाइन देख रहे हैं, उसको ना थोड़ा सा क्लिक कर दीजिए। जब आप उसको क्लिक करेंगे ना, आपके सामने बहुत सारे ऐसे ऑप्शन शो करेगा, जैसे होम का, पब्लिशर रेट का, हाउ डू इट वर्क का, लॉगिन का, साइन अप का। तो आपको क्या करना है ना भाई, आपको साइन अप बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि यार आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे सिंपल सा साइन अप बटन पे क्लिक कर दिया, और ये गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा, यानी कि ब्लैंक फॉर्म आपके सामने है। तो आपको अभी क्या करना है ना, यूज़र नेम देना है, ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड देना है, और आपका री एंटर पासवर्ड देना है। उसके बाद आपको ना ये जो कैप्चा है उसको फिलअप करना है। इसके बाद आई एग्री बटन पे क्लिक करना है और रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ना आपको एक आपके जो मेल एड्रेस आप दिए हैं उसमें एक वेरिफिकेशन मेल जाएगा, और आप वो ईमेल को वेरिफिकेशन करने के बाद आपका जो shrinkyarn.com पे का अकाउंट जो है रेडी हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पे एक अकाउंट रेडी कर देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे अकाउंट जो मेरा रेडी हो गया है। तो चलो बात करते हैं कि यार आपको ये जो वाला shrinkyarn.com यूज़ करना चाहिए। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वाइज जैन हाउस यहाँ पे ना, व्हाट इज द श्रीनिक, ठीक है। तो गाइस, इस वेबसाइट के बारे में जानने के लिए आपको ना ये जो वाला डिटेल्स है उसको एक बार पढ़ लेना है। तो गाइस, यहाँ पे बता दूँ कि क्या मेंशन हुआ है। यहाँ पे लिखा गया है कि shrinkyarn इज ए कम्प्लीटली फ्री टूल वेयर यू कैन द क्रिएट शॉर्ट लिंक्स। ये एक फ्री टूल से जहाँ पे आप लिंक को शॉर्ट कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो लिंक शॉर्ट हो रहा है जो टूल्स, ये टोटली फ्री है, आपको इसके लिए एक भी रुपया पेड नहीं करना पड़ेगा। ये जो वेबसाइट ये आपको आपकी जो लिंक शॉर्ट कर रहे हैं उसके बदले आपको कुछ पैसा पे कर रहा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं भाई पैसिव इनकम, यानी कि आपको यहाँ पे जो वेबसाइट है यहाँ पे ऐसा खासा पैसिव इनकम होने वाला है। यहाँ पे भी भाई आपको ना रेफरल बोनस भी मिल रहा है, यानी कि गाइस आप तो यहाँ पे तो अर्निंग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन गाइस आप यदि कुछ रिलेटिव हो या फिर फ्रेंड को इस वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं ना, तो ऐसे फ्री में मत बताओ। गाइस, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ना रेफरल लिंक को जेनरेट कर सकते हैं और उनको रेफर कर सकते हैं, यानी कि यार आपको यहाँ पे ना एक रेफरल लिंक मिलेगा, जो लिंक से यदि आपका फ्रेंड या फिर रिलेटिव इस वेबसाइट पे अकाउंट बनाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, तो गाइस आपको यहाँ पे 20% कमीशन मिलने वाला है, यानी कि यार उनको जितना भी मनी इनकम होगा ना उनका, उसमें से आपको 20% मिलने वाला ही है। तो गाइस, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे पैसिव इनकम करने का। तो चलो फिर बात करते हैं कि यहाँ पे आपका जो मिनिमम पे आउट कितना होगा। तो गाइस, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मेंशन हुआ है कि यू आर रिक्वायर्ड टू ईयरली ओनली $5 बिफोर यू विल बी पेड, यू कैन पे ऑल यूजर्स वियर द पेपल, यानी कि गाइस यहाँ पे आप जो मनी को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आपको मनी चाहे तो आप यहाँ पे ना पेपल अकाउंट बना सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे जितने भी मनी इनकम करेंगे, अर्निंग करेंगे, वो पेपल के माध्यम से आप बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसका जो मिनिमम पे आउट बैलेंस है ना वो $5 है, यानी कि एक अच्छा बात है। तो फिर इस वेबसाइट के बारे में और भी बहुत सारे ऐसे बात है जो कि यार आपको ना एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। तो गाइस चलो मैं बात करता हूँ इस वेबसाइट पे कैसे काम किया जाता है। जैसे कि आपको ना होम पेज पे शो कर रहा है ना एक बॉक्स दिया गया है जहाँ पे ये मेंशन है कि योर URL यर, यानी कि गाइस आपका जो लॉन्ग वाला URL होगा जिसको आप सर्च करना चाहते हैं, आप वो लिंक को क्या करेंगे ना, वो URL को क्या करेगा ना, यहाँ पे इनपुट कर देंगे, ठीक है।
इनपुट करने के बाद आपको क्या करना है ना, ये जो वाला आपको ऑप्शन शो कर रहा है इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या होगा ना, आपको एक शॉर्ट लिंक मिल जाएगा, जो लिंक को आपकी फ्रेंड के साथ शेयर करना है। तो शेयर कैसे करेंगे भाई, शेयर आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी कि यार आपका जो व्हाट्सअप है, फेसबुक है, या फिर आपका मैसेंजर है, ठीक है, वो सभी सोशल मीडिया के माध्यम से आप फ्रेंड को शेयर करेंगे, ठीक है। तो गाइस चलो बात करते हैं कि यार जो लिंक्स हम शेयर करेंगे तो वो जो लोग है वो क्यों उसको क्लिक करेंगे। तो गाइस मुझे एक बात बताओ, आप यूट्यूब में बहुत सारे से वीडियो देख रहे हो, क्या अभी तक एक भी वीडियो का लिंक आपकी फ्रेंड को आप शेयर नहीं किए हो? मुझे मालूम है 100% श्योर कि आप ऑलरेडी कर रहे हो। यानी कि देखो आज ना 2 अक्टूबर है, यानी कि गाइस आज का जो दिन है वो गांधी जयंती है। आज का दिन पे बहुत सारे से मेरा फ्रेंड्स है जो कि मुझे ना गांधी जी के जो वीडियोस है ना वो शेयर किए हैं लिंक के माध्यम से भाई, ठीक है। तो गाइस आप भी ना बहुत सारे से वीडियोस है भाई, वैलेंटाइन पे लव रोमांटिक वीडियो हो, या फिर कोई से इंडिपेंडेंस डे पे देशभक्ति का गाना हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे वीडियो का लिंक, जो यूट्यूब का जो वीडियो का जो लिंक है यहाँ पे सर्च करके भेज सकते हैं। और भी भाई ऐसा नहीं है कि ओनली यूट्यूब का, सोशल मीडिया पे यदि कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे मतलब कि बहुत सारे ऐसे जानकारी आपको मिल रहा है, ठीक है, एक्स वाई जेड मतलब कि एक्स वाई जेड कुछ भी यूरल आपको ना सर्च करना है यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ईजी है भाई यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग करने का। जैसे कि गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओनली 3 स्टेप है भाई ऑनलाइन इनकम करने का, क्रिएट एन अकाउंट, सर्ट एन योर लिंक, अर्न मनी। जैसे मैंने बताया पहले आपको एक अकाउंट बनाना है जो कि हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। सर्ट एन योर लिंक मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ, और उसके बाद अर्न मनी। तो गाइस यहाँ पे जो मनी ना वो डायरेक्ट मतलब एक दिन में आपको नहीं मिलने वाला है, मैं आपको बताऊंगा वीडियो के आगे कि आपको कितना रुपया मिलेगा और कितना लोग देखेंगे तो आपको कितना रुपया मिल सकता है, ठीक है, वो सब चीज़ के बारे में मैं वीडियो के आगे बताने वाला हूँ। मैं ना भाई यूट्यूब से एक के वीडियो का लिंक को कॉपी किया हूँ, तो चलो मैं यहाँ पे पेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपल सा मैंने ना ये जो वाला बॉक्स है उसको ओपन किया, और यहाँ पे ना भाई मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे सिंपल सा मैंने पेस्ट कर दिया। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं यूट्यूब का लिंक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ये जो वाला आपको ऑप्शन है उसको क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यार मेरे सामने एक शॉर्ट लिंक जो है ना वो क्रिएट हो गया है, रेडी हो गया है। अब मुझे क्या करना है ना, ये जो लिंक को अब मुझे कॉपी करना है, कॉपी करके मेरा फ्रेंड के साथ शेयर करना है। तो चलो मैं फ्रेंड को मैं शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर ना भाई मैं मेरा मेरा व्हाट्सएप को ओपन किया हूँ, और यहाँ पे ना भाई मैं एक दोस्त को, यानी कि यार देखो यार मेरा जूनियर है, ठीक है, मैं उसको लिंक को शेयर कर रहा हूँ। मैं बस आपको भाई प्रैक्टिकल दिखाने वाला था तो इसीलिए मैंने इसको ओपन किया। तो सिंपल सा यहाँ पे मैंने भाई लिंक को क्या किया ना भाई, पेस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन गाइस आपको ना यहाँ पे एक काम करना है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिंक मैंने पेस्ट किया हूँ और मेरे सामने ना ये जो वाला ऑप्शन है वो ओपन हो गया। तो इसमें क्या होता है ना भाई, लोग ना वो उसको ओपन नहीं करते। मैं सिंपल सा इसको क्या करता हूँ ना, यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, और इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद भाई अब आपकी फ्रेंड है ना तो भाई कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो, यानी कि यार देखा इट्स मोर इम्पोर्टेंट, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो भाई, ठीक है, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। मैं यहाँ पर लिख दिया ना भाई इट्स मोर इम्पोर्टेंट, इसके बाद मैंने सेंड कर दिया। तो गाइस वो बंदा सोचेगा कि आपका फ्रेंड है ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बंदा सोचेगा कि यार इट्स मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि ये जो लिंक है मुझे भेजा है वो शायद कुछ इंपॉर्टेंट होगा, या फिर आप फनी वे में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज़ वो बंदा क्या करेगा ना, ये जो लिंक है उसको ओपन करने के लिए सोचेगा, फिर वो क्या करेगा ना, यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र हो या फिर ओपेरा मिनी ब्राउज़र हो, एक कोई भी एक ब्राउज़र को क्लिक करेगा। सपोज़ मैं यहाँ पे ओपेरा मिनी ब्राउज़र को क्लिक किया, ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो लिंक्स है वो कैसे ओपन होता है। तो फिर देखो यार ये जो लिंक्स है ना जब ओपन होता है तो इस तरह का आपको इंटरफेस आपको शो करता है। तो गाइस यहाँ पे ना मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि यार देखो ये जो वेबसाइट है वो आपको क्यों मतलब कि पैसे में इनकम देगा, क्यों आपको मनी देगा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ना, फिलहाल के लिए तो जो मैं लिंक शेयर किया था, जो यूट्यूब का वीडियो शेयर किया था, वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। अब क्या कर रहा है ना, ये यहाँ पे जो आई एम नॉट रोबोट यानी कि जो कैप्चा है उसको फिलअप करना है। सपोज यहाँ पे मैं मोटरसाइकिल फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे इस कैप्चा को फिलअप करने के बाद आपको ना एक ऐसी क्लिक या टू कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। मैं क्लिक करने से पहले मैं आपको और भी बहुत सारे ऐसे जानकारी है इस पेज पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पेज पर ना बहुत सारे ऐसे आर्ट जो है ना आपको शो कर रहे हैं। ये जो मतलब कि सिंक.com है ना
वो इनकम कहाँ से कर रहा है, ये जो आपको आर्ट शो कर रहा है इस आर्ट से ही वो इनकम करता है, ठीक है। सपोज ये जो आर्ट शो कर रहा है इसके वजह से उसको 100 रुपया इनकम हुआ, ठीक है। तो गाइस वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जीएसटी इनकम टैक्स सब कुछ रख देगा, उसका प्रॉफिट भी रख देगा, उसके बाद कुछ भी मतलब कि 5%, 10%, 30% वो आपको कमीशन देगा, क्योंकि यार ये जो इसको इनकम हुआ 100 रुपया वो आपके वजह से ही हुआ, आप इन उनका सर्विस को यूज़ किए, इसके वजह से आप ये जो आर्ट देखे पब्लिक को शेयर किए, इसके वजह से उसको इनकम हुआ, ठीक है। वो इसके लिए ना वो आपको कुछ परसेंट शेयर देता है, ठीक है। तो गाइस इस तरह से इसका इनकम होता है भाई, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक या टू कंटिन्यू बटन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक या टू कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया, तो फिर इसके मतलब उसके बाद ना मेरे सामने और भी बहुत सारे पॉपअप आर्ड ओपन हो गया, मैं उसको स्किप कर दिया। बहुत सारे से आर्ट भाई शो करता है जिसके वजह से ना ये इनकम करता है भाई, ठीक है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे जैसे कि क्लियर टू कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया और मेरे सामने ना कुछ इस तरह का पेज अभी ओपन होने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक आर्ट है भाई, ठीक है। तो आपको सिंपल सा मैं यहाँ पे बैक करता हूँ, ठीक है, और क्लियर टू कंटिन्यू पे दोबारा मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे भाई बहुत सारे से आर्ट आपको यहाँ पे ना शो करने वाला है, जिसके बदले आपको यहाँ पे कुछ इनकम होने वाला है। जो लिंक आप यहाँ पे शेयर किए हैं वो लिंक आपको ना यहाँ पे भाई डायरेक्ट शो नहीं करेगा, बहुत सारे ऐसे आपको ना मतलब बहुत सारे ऐसे आर्ट शो करेगा, उसके बाद जाकर आपका जो यूट्यूब वीडियो या फिर कुछ भी जो भी लिंक यहाँ पे शेयर कर रहे हो ना आपके फ्रेंड के साथ, वो बाद में जाकर आपको शो करेगा। तो गाइज मैं यहाँ पे सिंपल सा वो जो वाला लिंक था मैं उसको स्किप कर दिया, क्योंकि यार देखो उसमें ना बहुत सारे आर्ट शो कर रहा था। मैं बस आपको यहाँ पे इतना ही बताऊँगा कि यार देखो जितने भी सारे लिंक है ना आपके पास, जितने भी सारे आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि यार देखो ये मतलब आप तो व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ फेसबुक को भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यदि आप लिंक शेयर करेंगे, मतलब सपोज आप 1000 पीपल को लिंक शेयर कर रहे हैं, तो 1000 पीपल से ऐसे तो 100 बंदे होंगे ना जो आपके लिंक को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो गाइस वो आपको मतलब कि बस आपको यहाँ पे ना आपका जो लिंक शेयर कर रहे हो वो ओपन होना चाहिए, वो क्लिक होना चाहिए, ठीक है। और बाद में वो दे मतलब कि कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बस उसको क्लिक करना है भाई, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कितना रुपया आपको यहाँ पे ओपन होने वाला है, मतलब कि सर अर्निंग होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे ना अर्निंग फॉर 1000 व्यू पे आपको कितना रुपया मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पे 1K व्यूज़ में, तो गाइस यहाँ पे आपको भाई सेम मनी मतलब कि सेम रुपया आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यार देखो यहाँ पे जो मनी मिल रहा है वो डॉलर के हिसाब से मिल रहा है और कंट्री वाइज मिल रहा है। जैसे कि ग्रीनलैंड के लिए $20 है, ठीक है, और भी बहुत सारे कनाडा के लिए भाई $7 है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भाई $6 है भाई, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज आप देख सकते हैं भाई। तो गाइस यहाँ पे इंडिया का नाम तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया का नाम जो है नहीं है। तो फिर नीचे देख सकते हैं कि और वर्ल्ड वाइड डील ऑल कंट्रीज, यानी कि यार जो कंट्रीज अभी इस लिस्ट में नहीं है तो उन कंट्री को कितना रुपया मिलेगा, उन कंट्री को ना गाइस यहाँ पे $3 वो दे रहे हैं, ठीक है, $3, यानी कि गाइस जिसके आप देख सकते हैं 219 रुपीज़, यानी कि आपको यहाँ पे 219 रुपीज़ यानी इनकम हो रहे पर 1000 व्यू में। तो सपोज आप एक दिन में 2000 लोगों को लिंक शेयर कर रहे और उनमें से पास एक 1000 जो लोग हैं ना वो आपके लिंक को क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बदले आपको कितना रुपया भाई मिलेगा ना भाई इंडिया में 219 रुपीज़ मिलने वाला है, ठीक है। ये हो गया ना आपका मतलब कि मैं आपको यहाँ पे मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम तो और भी हो सकता है, अब आप डिपेंड करता है कि ये आप कितना लोगों को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो लिंक्स आप शेयर कर रहे हैं, सपोज आप फेसबुक के माध्यम से शेयर करेंगे तो ऐसा नहीं है ना इंडिया का बंदा तो वो लिंक को क्लिक करेंगे, क्योंकि यार फेसबुक जो है इंडिया में तो लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे कंट्री में भी लोग यूज़ कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो गाइस सपोज आपको यूनाइटेड स्टेट हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, पीपल ना लोग क्या कर रहे हैं ना आपकी लिंक को क्लिक कर रहे हैं, तो गाइस आपको तो उनके हिसाब से ज़्यादा इनकम होने वाला है। तो ये था तो क्लिक मतलब कि लिंक को शॉर्ट करना शेयर करना, ठीक है। तो चलो बात करता हूँ कि और भी एक मेथड है जिसके माध्यम से आप यहाँ पे और भी मनी इनकम एक्स्ट्रा मनी इनकम कर सकते हैं, और वो है क्या ना रिफरल। तो कैसे हम रिफरल कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप डैशबोर्ड पे आते हैं और लेफ्ट कॉर्नर को क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक रिफरल का आइकन शो कर रहा है, मैं यहाँ पे सिंपल सा उसको क्लिक कर रहा हूँ रिफरल्स। तो उसके बाद ना आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है ओपन हो जाता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ना आप टू टाइप्स रिफरल आपको यहाँ पे मिलने वाला है, एक तो गाइस आपके यदि कुछ ऐसे वेबसाइट है तो गाइस आप क्या कर सकते हैं ना एक रिफरल लिंक मतलब कि एक यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है ना आपकी
वेबसाइट पे आपको शो कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप वेबसाइट पे आप ये जो ऐड है आप वो लगा सकते हैं। यदि आपके पास कुछ भी वेबसाइट नहीं है, फिर आप क्या कर सकते हैं ना, ये जो वाला लिंक से, ठीक है, उसको आप फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे क्या काम होता है, मैं भी कर रहा हूँ और तू भी कर ले, थोड़ा पैसे भी इनकम हो जाएगा और डेली वो 1 घंटा देना पड़ेगा। वो बंदा यदि मतलब आपकी बात मानकर इन लिंक को क्लिक करता है, अकाउंट बनाता है और काम करना शुरू कर देता है, तो आपको ना भाई यहाँ पे 20% कमीशन मिलने ही वाला है। यानी कि यदि वो बंदा 100 रुपया कमाता है तो आपको यहाँ पे 20 रुपया जो है ना एक्स्ट्रा बोनस मिलने वाला है। डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को यहाँ पे रिफ़र किए हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ना भाई 2 मेथड है भाई जिसके माध्यम से आप यहाँ पे डेली 1 घंटा देंगे तो आपको अच्छा खासा इनकम होने वाला है। मैं मानता हूँ कि यार देखो यार शुरुआत में आपको थोड़ा तकलीफ होगा, इनकम ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन गाइस जैसे कि आप प्रैक्टिस करते करते जाएंगे, जितना एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलते जाएगा, तो गाइस इसके हिसाब से आपका जो मनी वो भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।